गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक नॉइस पॉल्यूशन के वीडियोस की सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसज़ है जो डे टू डे लाइफ में जिससे हम नॉइस पॉल्यूशन के इफेक्ट से बच सकते हैं और उनके इफेक्ट को या प्रभाव को हम कम कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सो हाउ कैन द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन कैन भी मीटिगेटेड मतलब उसको हम किस तरह से Uh, कम कर सकते हैं एक्ज़ाम्पल रोडवे नॉइज़ कैन बी मिटिगेटेड बाय द यूज़ ऑफ नॉइज़ बैरियर्स नॉइज़ बैरियर लगाने चाहिए लिमिटेशन ऑफ व्हीकल स्पीड्स व्हीकल की स्पीड्स को हमें लिमिट में करना चाहिए ऑल्ट्रेशन ऑफ रोडवे सरफेस टेक्स्र लिमिटेशन ऑफ हैवी व्हीकल्स यूज़ ऑफ़ ट्रैफिक कंट्रोल्स टू रिड्यूस ब्रेकिंग एंड एक्सिलेशन एंड टायर डिज़ाइन इन सब सिंपल प्रैक्टिस से हम जो रोड नॉइज़ है उनको हम कम कर सकते हैं दे नॉइज मिटिगेशन नॉइज मिटिगेशन इज़ अट ऑफ स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूज़ नॉइज़ पॉल्यूशन तो यह आपके पिछले कुछ पेपर्स में आया वॉट इज़ नॉइज मिटिगेशन तो नॉइज मिटिगेशन क्या है कुछ ऐसी सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं मतलब सेट ऑफ चीज़ें हैं जिससे कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स फॉर नॉइजी मशीन्स इन इंडस्ट्रीज यूज़ ऑफ हॉर्नस विद Jarring sounds to be banned. No motor vehicle should be fitted with multi uh, with multi-tired horn giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud, or alarming noise on other similar vehicles of such sound signals. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो, होना चाहिए कि कौन कौन से हॉर्स ही वो लगाएं और कौन से हॉन्स ना लगाएं जो कि अनप्लेजेंट हो या नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा फैला सकते हैं एवरी मोट एवरी मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विद अ डिवाइस दैट इज साइलेंसर होना चाहिए कई बार आप देखते हैं ना बिना साइलेंसर के बाइक लेके कितनी गंदी आवाज़ आती है उसकी और जो स्टूडेंट्स हैं मेनली जो यंग बॉयज हैं उनको तो एक शौक है अपनी वो साउंड मोटरसाइकिल मोटर जो बाइक है उसकी साउंड को बिना साइलेंसर के चलाने का विदाउट नोइंगे दे आर कॉजिंग सो मच नॉइज़ पोल्यूशन नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ एरोड्राम्स एंड रेलवे स्टेशन कैन बी शिफ्टेड अवे फ्राम द इन्बिटेड एरियाज जो कॉलोनीज़ हैं या जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनसे हमें उनको थोड़ा डिस्टेंस पे शिफ्ट करना चाहिए एयरपोर्ट्स को

नॉट ओनली वस ऑक्सीजन ये नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करते हैं और जो साउंड वेवस हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं टू अवॉयड नॉइज इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस पे अटेंशन टू द नॉइज इज अराउंड यू एंड टर्न डाउन द वॉल वन एवर पॉसिबल या आप अपने लेवल पे भी काम कर सकते हैं कि आपके घर में भी या आस पास किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है उनकी हम वॉल्यूम को कम कर सकते हैं अवॉइड और लिमिट टाइम स्पेंड इन नॉइजी स्पोर्टी इवेंट्स वी एयर एडुकेट ही प्रोटेक्शन सच एज फोम ईयर प्लग्स और ईयर माफ्स वैन यू मस्ट बी इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट और वैन यूजिंग लाउड इक्विपमेंट तो आप ईयर प्लग्स यूज़ करें या कॉटन आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉटन प्लग्स बना के जिससे कि आपके जो कान है वो प्रोटेक्ट रहें यदि आप किसी एक नॉइजी प्लेस के अंदर जा रहे हैं तो वी मस्ट कॉन्स्टेंटली चेकअप ऑन द अप्लायंसिस वी यूज एट होम मोस्ट ऑफ दैम हैव रबर इंसुलेशन दैट एक्ट फॉर साउंड प्रूफिंग बट ओवर टाइम दिस इंसुलेशन वियर आउट एंड दैट इज वैन द नॉइज पॉल्यूशन विल बिगेन कीप ट्रैक ऑफ विच अप्लायंसिस नीड मेंटेनेंस एंड रीप्लेस इंसुलेशन इफ नीडेड Okay. Noise is also made by the escape of exhaust gases from the engine. Therefore, every motor vehicle should be so constructed and maintained as not to cause undue noise when it is in motion. Before buying a home, see how far it is from the local airport. लेवल ऑफ़ टॉलरेंस क्या होती है यदि हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करनी कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपकी टॉलरेंस लेवल कितनी है नॉर्मल लेवल ऑफ़ टॉलरेंस एट सी एट्टी डी हो सकती है एट्टी डेसीबल्स हो सकता है साउंड लेवल बिलो एंड अबव इस कंसिडर टू बी एज नॉइज़ पॉल्यूशन इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन देर आर अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हेयर सेल्स इन आवर हेयर सेल्स इन आवर ईयर विच क्रिएट वेव इन आवर ईयर तो दीज आर हेयर सेल्स एच ई ए आर ओके रेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज तो इतनी हमारे सेल्स हो सकती हैं जो कि सुन सकती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और वो रेस्पोंड करती हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को साउंड की विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ साउंड एंड द सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड डिक्रीजिंग अवर एबिलिटी टू हियर द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बी कॉशियस फ्राम टूडे आप आज से ही सावधान हो जाइए इन रिवर्सिबिल हीयरिंग लॉस जो हियरिंग लॉस है वो इन रिवर्सेबल है वापस आप उसे नहीं पा सकते आपको कोई ई डी यूज़ करनी पड़ेगी या मशीन लगानी पड़ेगी ब्लड प्रे ब्लड प्रेशर रेज ऑफ फाइव टू टेन ऑन एट आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू इवन सेवेंटी डी बी ऑफ साउंड लेवल तो ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो सकता है Long exposure to the noise pollution, say. Hearing loss begins at 80 to 19 dB. 140 decibel is painful and 180 can even kill a person. So, be cautious. Amplified rock music is 120 to 120 dB. Most of the electronic vehicles and motors are above 80 decibels. High noise levels may interfere with the natural cycles of animals, including feeding behavior, breeding rituals, and माइग्रेशन पार्ट्स सिम्टम्स ऑफ ऑक्युपेशनल हियरिंग लॉस फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ईयर आपको ऐसा लगेगा ईयर के अंदर मतलब बहुत भारी पन सा लगेगा साउंड में सेम मफल क्लियर आपको साउंड नहीं आएगी यदि आपके अंदर हियरिंग लॉस हो रहा है तो ये ये सिम्टम्स इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको पता चल सके कि ये कान में प्रॉब्लम है आपको एंड यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड चेक गेट इट डन चेक कैन नॉट हीयर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिंगिंग इन द ईयर्स भाई लिस्निंग टू द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जैसे कई बज 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 आवाज़ कानने से आती रहेगी लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज ऑक्युपेशनल हियरिंग लॉस हियरिंग दैट डज नॉट रिटर्न आफ्टर एन एक्यूट नॉइज इंजरी इज़ कॉल्ड अ परमानेंट थ्रेशअल शिफ्ट यदि एक स्टेज के बाद वापस आपकी हियरिंग नहीं आती दैट मीन्स आपका परमानेंट डियर डैमेज हो जाएगा तो इट इज़ बेटर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही चेक कराएं। actions taken and to be taken there are a variety of effective strategies for mitigating adverse sound levels use of noise barriers li uh, limitation of vehicle speeds alteration of roadway surface texture limitation of heavy duty vehicles use of traffic controls that is, smooth vehicles flow to reduce braking and acceleration innovative tire design and others i think i have discussed this earlier also Legisl legislation दैट मीन्स कानूनी तौर पर ये क्या एक्ट है नॉइज़ रेगुलेशन रूल्स अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 1986 में जो ये बनाया है नॉइज़ रेगुलेशन रूल उसके क्या फीचर्स हैं कि इंडस्ट्रीज में की 75 फाइव होनी चाहिए कॉमर्शियल 65 फ़ाइव रेजिडेंशियल जोन में 55 फाइव होनी चाहिए मतलब नॉइज़ इसकी वेवलेंथ देन जोन ऑफ साइलेंस नो पब्लिक एड्रेस सिस्टम आफ्टर टेन पी एम एंड बिफोर सिक्स ए एम सॉल्यूशंस फॉर नॉइज पॉल्यूशन प्लांटिंग ब्रशेज बुशेज एंड ट्रीज इन एंड अराउंड साउंड जनरेटिंग सोर्सेज इन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर नॉइज पॉल्यूशन क्योंकि जो प्लांट्स हैं बुशेज हैं वो क्या करते हैं साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूज द नॉइज पॉल्यूशन बिल्डिंग्स कैन बी डिज़ाइंड विद द सूटेबल नॉइज़ ऑब्जॉर्बिंग मटीरियल फॉर द वॉल्स विंडोज एंड सीलिंग्स जो भी अपन घर बनते हैं उनको हमें ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि उनके अंदर नॉइज़ ऑब्जॉर्बिंग मटीरियल्स होना चाहिए ऑटोमोबाइल्स की रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए वर्कर्स शुड भी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स एंड ईयर मवर हियरिंग प्रोटेक्शन तो ऐसे वर्कर्स जो कि जो जो कि कंटिन्यूसली एक्सपोजर हैं ज़्यादा देर तक हाई ले साउंड के उनको हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए सॉल्यूशंस फॉर नॉइज पॉल्यूशन सिमिलर टू ऑटोमोबाइल्स लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी एंड सर्विसिंग शुड बी डन टू मिनिमाइज द नॉइज जनरेशन तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होना चाहिए मशीनरी की प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए जिससे कि जो अनप्ल जो साउंड है वो कम हो सके साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज कैन बी इंस्टॉल टू ब्लॉक अनवांटेड नॉइज फ्रॉम आउटसाइड Regulation should be imposed to restrict the use of play loudspeakers or crowded areas in public places. Factories and industries should be located far from the residential areas. Solutions for noise pollution may hai. community development or urban management should be done with the long term planning along with an aim to reduce noise pollution. Social awareness programs should be taken to educate the public. अबाउट द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ह्यूमन हेयरिंग एंड फ्रिक्वेंसी अब एक सिंपल सी पिक्चर है इन द लास्ट जिसमें यह आपको बताने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन हेयरिंग मतलब ये जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे सब सोनिक रेंज है जो कि इनऑडिबल होती है दैन जो सोनिक रेंज है सिक्सटीन से ट्वेंटी सिक्सटीन हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट्स के बीच में ये सोनिक रेंज होती है और उसके आगे फिर इनऑडिबल होती है जो कि अल्ट्रासनिक रेंज होती है थैंक यू सो मच आई होप ये नॉइज़ पॉल्यूशन आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा इसमें हमने सबसे पहले बात की वॉट इज नॉइज़ पॉल्यूशन दैन इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन दैन क्या सोल्यूशनस हो सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के सो जस्ट गो थ्रू एट और कुछ टॉपिक्स इस तरह से आप पढ़िए कि जो वन वर्ड आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो शॉर्ट है वेरी शॉर्ट है शॉर्ट है एंड लॉन्ग है तो वेरी शॉर्ट के अंदर आपको डीप स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उनको डिटेल में पढ़िए ओके थैंक यू सो मच